गुड मॉर्निंग 12th क्लास, हम लोग 8th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है। आई होप आपको लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल रिगार्डिंग 8th चैप्टर मींस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बस हमें लिंक क्रिएट करना है कि क्या चीज़ गिवन है, किस चीज़ से मैं क्या चीज़ निकाल सकती हूँ, ओके। बट न्यूमेरिकल पार्ट में हमें एक और न्यूमेरिकल इंट्रोड्यूस होता है जिसका कंसेप्ट हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज चैप्टर नंबर 8। और ये लास्ट टॉपिक क्या है बेटे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ओके। अब एक बात बताइए बच्चे, इन्वेस्टमेंट एक प्रोड्यूसर के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या बढ़ानी पड़ेगी फ्यूचर में? अपनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ओके क्लास। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो कल को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम लेवल बढ़ेगा, ठीक है। सो क्या रिलेशनशिप आया? अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, इनकम लेवल बढ़ेगा, क्लियर एवरीवन? तो कैसा रिलेशनशिप आए तीनों में? पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्लियर हुआ। सेम हैपेंस विद एन इकोनॉमी ऑल्सो। अगर इकोनॉमी में कल को मेरी इन्वेस्टमेंट का लेवल, हालांकि मैं कांस्टेंट ले रही हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट का लेवल कांस्टेंट रूप से कल को बढ़ जाता है, ठीक है। अगर कल को इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कल को बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी इट मींस एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो इनकम का लेवल भी बढ़ेगा। इनकम और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी विल राइज, ठीक है। सो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इनकम लेवल बढ़ा। इनकम लेवल का मतलब आउटपुट लेवल या एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बोल सकती हूँ, है ना बच्चे। अब केन्स ने ना इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा अपनी थ्योरी में, जिसका हमने नाम दिया मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब मल्टीपल इफेक्ट लाना, ठीक है। अब मैंने बोला इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम लेवल बढ़ेगा। अब आप इसके नाम से ही बताइए इनकम लेवल कितना बढ़ेगा? मल्टीप्लायर मींस अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, लेकिन इनकम मल्टीपल इफेक्ट में बढ़ेगी, किससे? इन्वेस्टमेंट से, क्लियर हुआ। मींस इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ी भी बढ़ी तो इनकम उससे ज़्यादा बढ़ेगी, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट बेटे हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया? केन्स ने, ठीक है। और केन्स ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, ये एक इम्पैक्ट शो करने के लिए दिखाया। और इम्पैक्ट किसका? चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए या घट जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और उस इम्पैक्ट को शो करने के लिए केन्स ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर अगर आ जाए तो ये क्रेडिट मल्टीप्लायर नहीं है, क्लियर हुआ। इट इज बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ओके क्लास। और इसको बेटे मैं कैपिटल के से डिनोट करती हूँ, ओके क्लास। लोअर केस के से डिनोट करती हूँ क्रेडिट मल्टीप्लायर, ओके। एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को मैं डिनोट करती हूँ कैपिटल के से, ओके क्लास। देखिए अब इस चीज, ये तो मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन लिखी है आपके सामने, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट। कैसे बच्चे? क्या चेन इफेक्ट होगा, क्या वर्किंग होगी? ध्यान से देखिए बच्चे, अगर कल को इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम एंड आउटपुट लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। और वाइस वर्सा,
अगर इन्वेस्टमेंट कम होएगी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होएगी, एम्प्लॉयमेंट कम होएगी और इनकम लेवल भी कम होगा. क्लियर एवरीवन? बिकॉज पॉजिटिव रिलेशनशिप है. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, किसका इम्पैक्ट शो करने के लिए बेटे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होगी तो उसका इम्पैक्ट इनकम पर कैसे होगा. इनकम बढ़ेगी, बढ़ेगी तो उससे ज़्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी या घटेगी. घटेगी नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ आपको. मैंने बोला कि केन्स ने ये जो इम्पैक्ट है किसका, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का, किसके ऊपर, इनकम के ऊपर क्या होगा, कैसे होगा और ज़्यादा होगा या कम होगा, वो इम्पैक्ट को शो करने के लिए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा था, दैट इज मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर का मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको मैं कैपिटल के से डिनोट करती हूँ. ओके क्लास. यस क्लास, मैंने आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करा है जिसमें मैंने 45 डिग्री एंगल पे कौन सी लाइन एक्सप्रेस करी है, इनकम लाइन. इनकम लाइन मींस एग्रीगेट सप्लाई लाइन. ओके, बिकॉज AS इज इक्वल टू Y. कौन से डिग्री एंगल पे बेटे, 45 डिग्री एंगल पे. ओके, ये जो मैंने फर्स्ट लिया है दैट इज AD, इनिशियल AD है, बिफोर इन्वेस्टमेंट चेंज, मतलब जो अर्लियर सिचुएशन थी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से पहले. दैट इज AD का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, C+I. अब ये इनकम लाइन है बच्चे और ये अर्लियर सिचुएशन थी AD की, कहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, ए पॉइंट पर. तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है, OJ. ठीक है, क्लियर हुआ. इक्विलिब्रियम कितना है बेटे, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, A. बिकॉज एट A पॉइंट AD इज इक्वल टू AS. ओके, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी आई बच्चे, OJ. ठीक है, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, ठीक है, सो AD में सेम चीज़ तो है. अब मैं क्या बढ़ा के दिखा रही हूँ, इन्वेस्टमेंट. इट मीन्स इसमें क्या बढ़ा दिया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कितने से इन्वेस्टमेंट बढ़ी. ओके, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी जितने से कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट लेवल पर ही क्या बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. सो जो नया AD1 आएगा बेटे, वो पैरेलल टू अर्लियर AD आएगा और नया AD1 क्या हो जाएगा, C+I+ΔI. क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट चेंज का इम्पैक्ट शो करना चाहती हूँ, किसके ऊपर, इनकम लेवल के ऊपर. क्लियर हुआ? सो नया AD1 क्या बना, C+I, जो पहले वाला था. बस इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा दी, ΔI से. ठीक है भाई, अब नया इक्विलिब्रियम लेवल क्या आ जाएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा, B, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी आ जाएगी, OK. समझ आया बच्चे, है ना? अब एक बात बताओ बच्चे, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज EF, किस किस के बीच में, ओल्डर AD एंड द न्यू AD, और ओल्डर एंड न्यू AD में क्या डिफरेंस है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का. इट मीन्स ये जो गैप है बिटवीन AD एंड AD1 इज हाउ, किस किस की वजह से है, क्या रीजन है इस गैप के पीछे, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट. क्लियर हुआ? अब मेरा साफ साफ कहना है बेटे, अब मेरे को इस चेंज इन इन्वेस्टमेंट का इनकम के ऊपर इम्पैक्ट देखना है. आप खुद बताओ बच्चे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितनी है, EF. दिख रहा है सबको, ध्यान से देखो, मैं इन्वेस्टमेंट को चेंज करके दिखा रही हूँ. अगर कल को इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और कांस्टेंट रहेगी, बढ़ने के बाद क्या रहेगी, कांस्टेंट. जैसे पहले 10 थी, 10 कांस्टेंट रही तो AD आया ये. अब मैंने 15 कर दी, इन्वेस्टमेंट बढ़कर कितनी होगी, 15, और 15 पे वो क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, सो AD1 क्या आ जाएगा, C+I+ΔI. ठीक है,
बढ़ने के बाद वो क्या रह गई, कांस्टेंट। तो ये दोनों एडी क्या रहेंगे, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है AD और AD1 में, द वर्टिकल डिस्टेंस, ये किसके इक्वल है, AF, और ये किसकी वजह से बेटे, डेल्टा आर, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी, EF जितने मार्जिन से। लेकिन पुराने वाले AD पर आपकी इनकम कितनी थी, OJ, नए वाले AD पर इनकम बढ़कर कितनी होगी बेटे, OK। इट मीन्स JK लेवल से, ये आपको लेवल दिख रहा है, इतने मार्जिन से क्या बढ़ी, इनकम बढ़ी। इट मीन्स इंक्रीज इन Y, मतलब इंक्रीज इन इनकम कितने मार्जिन से आया, JK। अब आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा JK का लेवल ये है, EF का लेवल ये है, मतलब इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ी और इनकम उससे ज़्यादा बढ़ी। मल्टीपल इफेक्ट है, चाहे वो 1.5 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 2.5 हो, उससे तो ज़्यादा है। इट मीन्स बच्चे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो करता है द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये कंसेप्ट हमें बताता है, अगर इन्वेस्टमेंट इतनी चेंज हुई है तो इसकी वजह से इनकम में कितना चेंज आता है, और ये जो इनकम में चेंज आता है बेटे, वो मल्टीपल इफेक्ट में आता है, मतलब इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ती है और इनकम उससे ज़्यादा बढ़ती है। जो कंसेप्ट इस चीज़ को, इस इम्पैक्ट को शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके क्लास, तो ये देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट EF से बढ़ी और आपकी इनकम JK से बढ़ी, कौन बढ़ा है, JK। इनकम में चेंज ज़्यादा है किसकी वजह से बेटे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से। सो मल्टीपल इफेक्ट आया ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इनकम इंक्रीजेस इन मल्टीपल वे, मतलब मल्टीपल फोल्ड में बढ़ती है इन्वेस्टमेंट से। सो ये जो कंसेप्ट इस इम्पैक्ट को शो करेगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यस क्लास, अब आता है, ये तो अभी तक था हमें बेसिक पढ़ना था, बेसिक समझना था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। लेकिन अगर मेरे को 3 to 4 मार्क्स में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आता है तो मैं कैसे करूँगी, आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन पार्ट। ओके क्लास, क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेस किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ, कौन सा कंसेप्ट हमें शो करता है कि हाउ मेनी टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीपल वे में कितनी इनकम बढ़ी किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये रेशो बन गई, मतलब डेल्टा वाई इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ, सो इस कंसेप्ट को मैं क्या बोलती बच्चे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, सो फॉर्मूला क्या बना, इट इज द रेशियो विच शोज चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ बच्चे, सो फॉर्मूला क्या बना, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, वेयर डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम। ठीक है, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कम होने से इनकम कम होगी। इसलिए मैं यहाँ पर डेल्टा का यूज़ करती हूँ, इंक्रीज का यूज़ नहीं करती हूँ। ओके, सो डेल्टा आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड के स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या सिर्फ मल्टीप्लायर। ओके क्लास, अब बच्चे कहाँ कन्फ्यूज होंगे कि मैम मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर कहाँ लिखें, मल्टीप्लायर में क्रेडिट मल्टीप्लायर आएगा या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बच्चे, अगर सिर्फ मल्टीप्लायर आ गया तो हमें कौन सा कंसेप्ट लिखना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर वो क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा, उसके क्लियर कट मुझे गिवन होगा क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब इट इज़ ओनली गिवन इन द क्वेश्चन दैट डिफाइन मल्टीप्लायर, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके क्लास, यस क्लास, अब
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. एमपीसी हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, है ना. अब हमें पता है कि के क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टर्म्स, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अनदर वन इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मैं स्टार्ट करूंगी के से. सी, एज वी ऑल नो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. ओके क्लास, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना बेसिक फॉर्मेट रेडी करना है. मुझे पता है वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, है ना, ये हम कर चुके हैं. अब मुझे पता है एस इज इक्वल टू आई, है ना, तो मैं एस की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर रही हूँ, आई. यहाँ पर चेंज है, डेल्टा आई है, तो मैं यहाँ पर भी दोनों साइड्स पर क्या वैल्यू पुट कर दूंगी, डेल्टा. मीन्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई. मुझे डेल्टा आई की वैल्यू चाहिए, है ना, सो डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी. क्लियर हुआ. अब मैं ये जो वैल्यू आई है डेल्टा आई की, मैं कहाँ पुट कर दूंगी बच्चे, आई में, ठीक है. सो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई, दैट इज डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी. ओके क्लास, अब एक बात बताओ बच्चे, डेल्टा सी के नीचे क्या है, डेल्टा वाई. इट मींस अगर मैं इसको डिवाइड द अबव बाय डेल्टा वन, तो डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे डेल्टा सी के नीचे क्या चाहिए, डेल्टा वाई, क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. तो करो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, अभी डिवाइड है, डिवाइड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. किसकी वैल्यू है बेटे, के की. ओके, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल आउट, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल आउट, तो मुझे मेरे पास के की क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. आ गई वैल्यू, अब मुझे रिकॉग्निशन मिल रही है, मेरे को पहचान आ रही है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई का किसका फॉर्मूला है, एमपीसी. सो मैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, एमपीसी. क्लियर हुआ, ये रिलेशनशिप आ गया. सो के का एक और फॉर्मूला बन गया, के इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी. क्लियर हुआ बच्चे, हमने स्टार्टिंग कैसे करी, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. अब मुझे पता है मुझे डेल्टा आई की वैल्यू निकालनी, क्योंकि एमपीसी में डेल्टा आई यूज नहीं होता. सो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, डेल्टा चाहिए, सो लेकिन डेल्टा आई चाहिए, पहले तो एस को किससे रिप्लेस कर दूं, आई से, और दोनों साइड्स पर क्या पुट कर दूं, डेल्टा. सो डेल्टा आई की वैल्यू क्या आ गई बेटे, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी. अब मैंने डेल्टा आई की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, दैट इज डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी. ओके, अब मुझे चाहिए, मुझे पता है एमपीसी से रिलेशनशिप निकालना है. सो एमपीसी में का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. इट मींस मुझे इस साइड को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डेल्टा वाई से. डेल्टा वाई कैंसिल, डेल्टा वाई कैंसिल, माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, वन अपॉन वन माइनस एमपीसी. क्लियर हुआ, लेकिन अभी भी ये आंसर कंप्लीट नहीं है. रिलेशनशिप में ये भी बताना होता है कि इन दोनों में, मतलब के और एमपीसी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव. ओके क्लास, अब मुझे इतना तो पता चल गया कि के दो फॉर्मूलाज हैं अभी तक जो हमने करे, ठीक है.
और वो फॉर्मूला क्या है बच्चे, ध्यान से देखो। पहला के इज इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। एक और फॉर्मूला अभी हमने एमपीसी के साथ बनाया, दैट इज के इज इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, ठीक है। अभी तक, अभी हम एमपीएस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये बात करते हैं। अब मुझे रिलेशनशिप बताना है किस किस के बीच में, के एंड एमपीसी के बीच में, वेदर इट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू और नेगेटिव, ठीक है। अब बेटे आई वॉन्ट टू कॉट एन एग्जाम्पल, और मैं दो सिचुएशन वाइज ये एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करके देखना चाहती हूँ। एक ले लो, लेट अस एज्यूम एमपीसी इन फर्स्ट सिचुएशन इज 0.5, इन सेकंड सिचुएशन एमपीसी इज इक्वल टू 0.8, एक में कम एक में ज्यादा, ठीक है। अब मुझे पता है मुझे किस किस के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, के एंड एमपीसी। तो आप बताओ बच्चे, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूं या नीचे वाला? ऑब्वियसली क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, तो यही फॉर्मूला यूज करूंगी, के इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी। ओके, अब के की वैल्यू निकालनी है, एमपीसी मैंने कितना एज्यूम करा है बच्चे, 0.5 इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस 0.5, के इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस 0.5, 0.5 पॉइंट जीरो पर 5 1 5 फाइव टू सा, मतलब के की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 2 times। इसका मतलब अगर इनकम 1 time से बढ़ती है, सॉरी अगर इन्वेस्टमेंट 1 time से बढ़ती है, तो इनकम उससे डबल वे में बढ़ेगी। क्लियर हुआ? और मल्टीप्लायर है तो यूनिट में क्या यूज करूंगी, टाइम्स। ओके क्लास, अगर एमपीसी 0.5 है तो के की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 2 times। ओके, अब सेकेंड सिचुएशन में मुझे कंपैरिजन मिल जाएगा कि वेदर इट बी अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दीज टू टर्म्स और नेगेटिव। सेम फॉर्मूला, के इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, यहाँ पर एमपीसी ज्यादा है तो कितना है बच्चे, मैंने कितना एज्यूम करा है, हम एज्यूम करके काम करेंगे। पहली सिचुएशन में कम एमपीसी, दूसरी सिचुएशन में ज्यादा एमपीसी, 1 upon 1 minus 0.8 में से 0.8 माइनस करना, डैट कम 0.2, पॉइंट ऊपर चला गया, 2 1 2 2 5 10। क्लियर हुआ बच्चे? इट मींस के की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 5 times। अब बच्चे हमें क्लियर कट आंसर मिल रहा है, हमें क्लियर कट आंसर मिल रहा है। जब एमपीसी कम था तो के भी कितना आया, कम। जब एमपीसी बढ़ा तो के भी क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब ज्यादा एमपीसी ज्यादा के, लेस एमपीसी लेस के। कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो कैन वी बी एबल टू कंक्लूड देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हायर द एमपीसी हायर विल बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड वाइज वर्सा। क्लियर हुआ बच्चे? इसी तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, अगर 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी, पहले डेरिवेशन देन सिचुएशन वाइज रिलेशनशिप पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसा रिलेशनशिप आया बच्चे, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। किस किस के बीच में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। सोच के देखो बच्चे, अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूं, देखो कंजम्पशन बढ़ेगी, मार्केट का स्कोप बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सोच के देखो, कंजम्पशन बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा,
ऑब्वियसली, और प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए क्या बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, पॉजिटिव। क्लियर हुआ बच्चे? अब मैं इसी में ही बच्चे आपको ये कराना चाहती हूँ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एम पी एस। ठीक है, अब मुझे सेम वे में रिलेशनशिप ऑफ के एंड एम पी एस, ओके, सेम तरीके से करूंगी जैसे मैंने के एंड एम पी सी का करा था। लेकिन एक बात बताओ बच्चे, हमें के का फॉर्मूला निकल गया था 1/(1 - MPC), ये सेम का सेम डेरिवेशन आएगा पहले वाला। ठीक है, जो मैंने एम पी सी तक करा उतना तो यहाँ तक हमें करना ही करना है। बट हमने 7th chapter में पढ़ा था बच्चे, एक और इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, अब मुझे क्या चाहिए, एम पी एस का फॉर्मूला क्या बना, 1, ये एम पी सी यहाँ पे प्लस है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। सो एम पी एस का फॉर्मूला क्या है, 1 - MPC। अब ध्यान से देखो बच्चे, के का फॉर्मूला में क्या कहीं पर मैं एम पी एस को एडजस्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि एम पी एस का क्या मतलब है, एम पी एस इज इक्वल टू 1 - MPC, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 - MPC है, तो 1 - MPC इज इक्वल टू एम पी एस। क्लियर हुआ बच्चे? सेम एम पी सी तक का डेरिवेशन के बाद सिर्फ मुझे ये और ये प्रूव कर दिखाना है, ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में आ जाएगा, के एंड एम पी एस। ठीक है, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं है। अब मुझे देखना है, अगर भाई एम पी एस ज़्यादा होगा, क्या के ज़्यादा होगा या कम होगा, समझ आया? मतलब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा या नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। ओके क्लास, मैं वो ही दोनों सिचुएशन ले रही हूँ, बट यहाँ पर मैं लेट अस अज्यूम करूँगी, फर्स्ट सिचुएशन में एम पी एस 0.5, सेकेंड सिचुएशन में एम पी एस 0.8। ओके, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ बच्चे, अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो वो यूज करो, इफ नथिंग इज गिवन देन अज्यूम इट। ओके, अब मुझे के और किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाना है, एम पी एस, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगी, 1/MPS। ठीक है, अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है, एम पी एस मैंने कितना एज्यूम करा, 1/0.5, पॉइंट हट के ऊपर 10, 5 1 5 2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 times। 2 times कब आई, व्हेन एम पी एस इज 0.5। ठीक है, एक सिचुएशन वाइज मैं कंक्लूड नहीं कर सकती, सो मुझे 2 situations लेनी पड़ेगी, एक में एम पी एस कम, एक में एम पी एस ज़्यादा, तभी मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाऊंगी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन के एंड एम पी एस। ओके क्लास, एंड इन सेकेंड सिचुएशन के का सेम फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 1/MPS। ओके, सो यहाँ मैंने सेकेंड सिचुएशन में एम पी एस कितना एज्यूम करा, दैट इज 0.8। ओके क्लास, दैट इज 0 हट के ऊपर 0, 2 5 2 4 4 1 4 1 4 2 4 5 20, कितना आया बच्चे के की वैल्यू, 1.25 times। मैं बहुत अच्छे से एक रैशनल कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, ध्यान से देखिए, व्हेन एम पी सी 0.5 था तो के की वैल्यू 2 times थी, एम पी सी बढ़ा मतलब एम पी सी के बढ़ने पर के की वैल्यू क्या हो रही है बच्चे, कम हो रही है। कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, इट मीन्स हायर द एम पी एस लोअर विल बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसका चेन इफेक्ट कैसे बना, आप खुद सोचो बच्चे, अगर सेविंग्स, एम पी एस का मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव,
सेविंग की टेंडेंसी, मतलब इनकम चेंज होगी तो सेविंग चेंज ज़्यादा हो रही है, ठीक है, मतलब इनकम बढ़ रही है तो सेविंग भी बढ़ रही है ज़्यादा, ठीक है, दैट मीन्स एमपीएस का ज़्यादा होना। क्लास अगर सेविंग ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन कम, एग्रीगेट डिमांड कम, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या घटेगी, कम होगी, समझ आया। सो हायर एमपीएस मीन्स लोअर इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन दोनों सिचुएशन के बेसिस पर देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। क्लियर हुआ बच्चे? 3-3 मार्क्स में एमपीसी एंड एमपीएस के क्वेश्चन आते हैं, तो अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 12 मार्क्स इन द ब्लूप्रिंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो बहुत वर्दी यूनिट है बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यस क्लास, ना ये कैसे कैसे होता है, मतलब हमने अभी तक ये पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम उससे ज़्यादा बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है, क्या मैकेनिज्म है इसका, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। दैट इज वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, कि कैसे कैसे ये वर्क करता है और कैसे कैसे इनकम उससे ज़्यादा टाइम्स में बढ़ती है, ठीक है क्लास। एक देख चेन इफेक्ट वाइज मैकेनिज्म ये है, बट हम इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल वाइज ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसका चेन इफेक्ट बता रही हूँ। एक बात बताओ बच्चे, हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट जान रहे हैं किसके ऊपर, चेंज इन इनकम के ऊपर। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है बच्चे, ये बेस है और ये बहुत कॉमन सेंस है। कैसे? अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जितनी बढ़ेगी उतने इनकम बढ़ेगी, अब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी। एक बात बताओ बच्चे, आप किसी चीज, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आपकी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, लेकिन जिससे आप खरीद रहे हो उसकी वो क्या है, इनकम। समझ आया? मतलब आपकी कंजम्पशन जितने एक्सपेंडिचर से बढ़ी, इट मीन्स उतने वैल्यू से किसी दूसरे की क्या बढ़ी, इनकम। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, वंस एक्सपेंडिचर विल बिकम अदर्स इनकम। अगर मैं कोई खर्चा कर रही हूँ, मैं किसी से कोई प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, तो ये तो मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ा, चेंज इन कंजम्पशन है, लेकिन जितने पेमेंट मैंने किसी को दी है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, इट मीन्स उतने से उसकी क्या बढ़ी, इनकम बढ़ी। क्लियर हुआ बच्चे? सो ये जनरल मैकेनिज्म है, ये चलता जाएगा, ठीक है क्लास। देखो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या बढ़ेगी बच्चे, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी। अब एक का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बिकम अदर्स इनकम, अब दूसरे की इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन फिर से बढ़ेगी, है ना बच्चे। अब कंजम्पशन बढ़ेगी फिर से क्या बढ़ेगी, एक का खर्चा दूसरे की इनकम, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक डेल्टा वाई ज़ीरो ना आ जाए। क्लियर हुआ? अब ये मैकेनिज्म तो हमने एक चेन इफेक्ट के रूप में पढ़ा, लेकिन अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आता है या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो हमें जैसे हमने क्रेडिट मल्टीप्लायर का एक न्यूमेरिकल हाइपोथेटिकल एग्जांपल एज्यूम करके उसको सपोर्ट करा था, इसी वजह से हम इस कंसेप्ट को भी एक न्यूमेरिकल हाइपोथेटिकल एग्जांपल को एज्यूम करके इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है क्लास। मैं दोबारा बता रही हूँ बेटे, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी, मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब दूसरे की इनकम होगी तो वो खर्चा भी करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, अब इसका खर्चा दूसरे की इनकम, अब दूसरे बंदे के पास पैसे आए फिर से वो क्या करेगा, खर्चा करेगा, अब एक का खर्चा दूसरे की इनकम, ये प्रोसेस चलती जाएगी, कंटिन्यू होती जाएगी टिल
डेल्टा वाई विल टर्न इनटू जीरो और नियर बाय जीरो. ओके क्लास, अब इसका हम एक हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर इसकी वर्किंग शो करते हैं. ओके यस क्लास, मैंने एक एग्जांपल एज्यूम करा और फॉर्मेट बनाकर रखा. अब कैसे कैसे हम इस एग्जांपल के वाइज मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म शो करेंगे. बेटे हमें डेल्टा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मैकेनिज्म बताना है. इट मींस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितनी बढ़ेगी. इट मींस हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सपोज चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितने करोड़ से है, 100 करोड़ से. मतलब इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी, 100 करोड़ से. तो फर्स्ट राउंड हमने क्या लिया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना लिया बेटे, 100 करोड़. अब एक ने जो इन्वेस्टमेंट करी होगी ये उसका खर्चा है, तो वो दूसरे की क्या बन गई, इनकम. क्लियर हुआ. मैंने कुछ सपोज मैंने कोई मशीन खरीदी, कोई लैंड खरीदी, वो मेरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन जिससे खरीदी उसकी क्या बढ़ी, इनकम बढ़ी. उसके पास क्या आया, इनकम आई. क्लियर हुआ बच्चे, इट्स अ वेरी जनरल वे. ठीक है, अब दूसरे की इनकम बढ़ी तो वो खर्चा करेगा, उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी ऑब्वियसली, बिकॉज देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन. बट कितने से, डेल्टा सी मतलब चेंज इन सी कंजम्पशन प्रोपेंसिटी कौन बताएगा, एमपीसी. ठीक है भाई, मतलब कितनी इनकम बढ़ने से कितनी कंजम्पशन बढ़ती है, ये रेशियो कौन बताता है, एमपीसी. और हमने कितनी एज्यूम करी बेटे, 50-50 कर लिया. मतलब एक जनरल सिंपल एग्जांपल वाइज मैं मैकेनिज्म बता रही हूँ, आप ये एमपीसी कितना भी ले सकते हो. ठीक है, सो एमपीसी मैंने क्या एज्यूम करा, 0.5. इट मीन्स जितनी इनकम बढ़ेगी उसका 50% कंजम्पशन के रूप में बढ़ेगा और उसका 50% सेविंग के रूप में बढ़ेगा. क्लियर हुआ बच्चे. अब कितनी इनकम बढ़ी, 100, इसका मतलब इसका 50% कंजम्पशन के रूप में बढ़ गया इसका, और इसने इसका 50% क्या कर दिया, सेव कर दिया. अब एक का खर्चा दूसरे राउंड में दूसरे की क्या बन गई बेटे, इनकम. एम आई क्लियर, एक का खर्चा विल बिकम अदर्स इनकम. अगर कंजम्पशन इतनी बढ़ी तो जितनी इसकी कंजम्पशन बढ़ी इसका मतलब दूसरे की क्या बढ़ी, इनकम. अब ये भी 50% से क्या कर रहा है, कंजम्पशन एंड से इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी. ठीक है, तो 50% मतलब 25 से इसने कंजम्पशन करी और 25 से कर दिया. अब एक का खर्चा दूसरे की इनकम, थर्ड राउंड शुरू हो गया. अब ये भी इसका 50% कंजम्पशन बढ़ा देगा और 50% सेविंग कर देगा. इट मींस 25 का 50% 12.5. अब एक का खर्चा दूसरे की इनकम, दैट इज फोर्थ राउंड. और ये प्रोसेस तब तक चलेगी बेटे जब तक ये डेल्टा वाई यहाँ पर कम होता जा रहा है ना, ये जीरो ना हो जाए. ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो सकता है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो ओन. ठीक है, और टोटल हम कैसे निकालेंगे बच्चे, हमें एमपीसी गिवन है एग्जांपल में, सो हम के की वैल्यू निकाल लेंगे. के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, एमपीसी. और के का एमपीसी के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. अब एमपीसी हमने कितना एज्यूम करा, 0.5, तो 1/0.5 कितना टाइम्स आया बच्चे, 2 times. कितना आया, 2 times. अब एक बार बताओ बच्चे, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी, 100 से. इट मीन्स ये जो इनकम का इफेक्ट होगा ये कितने से बढ़ेगा, इसका डबल से, 200 से. तो इसका डबल कितना आ गया, 200. सिंपल सी बात, के कितना आया, 2 times. मतलब अगर इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ी है तो इसकी डबल वे से क्या बढ़ी है, इनकम बढ़ी है. इट मीन्स ये टोटल इनकम इफेक्ट का टोटल कितना आएगा बच्चे, इसका डबल, दैट इज 200. ओके, और जिसमें से हाफ हमने कंज्यूम कर लिया और हाफ हमने
सेव कर लिया। क्लियर हुआ बच्चे? हाँ जी बेटे। अब 1 मार्क में या कभी कभार 3 मार्क्स में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि के की वैल्यू किस रेंज में लाई करती है, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ के एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। आपको पता है बच्चे, कंजम्पशन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, ठीक है भाई। अगर MPC ज़्यादा होगा तो के भी ज़्यादा होगा। अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में यही कर रहा है बच्चे। अभी देखो, अब मेरे को कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अब मुझे पता है बेटे MPC एंड के में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है ना। इट मीन्स MPC की मिनिमम वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 0, मैक्सिमम 1। क्लियर हुआ? हाँ जी। 7th चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करी थी ये चीज़ें। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो पहले वो वाली वीडियो देखे, MPC वाली, कि मिनिमम है मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू हम MPC की कितनी होती है बेटे, 0। अगर MPC 0 है तो MPS क्या होता है, 1। अब इस वे से मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ के कैलकुलेट कर सकती हूँ। के का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू MPC, 1/1 - MPC, 1/1 - MPC कितना लिया मैंने, 0। तो 1/1 दैट इज 1। तो के की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1। ओके, इस तरीके से मैं क्या निकालूंगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, मुझे पता है MPC एंड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव, ठीक है। और MPC की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के का फॉर्मूला MPC के वे से, 1 - MPC, के इज इक्वल टू 1 - दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इज 1। सो 1/0 एंड आंसर कम्स इन्फिनिटी। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू अभी मैंने अभी बताया क्या है, 1। इट मीन्स के किस रेंज में लाई करेगा, बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? मिनिमम वैल्यू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। ओके क्लास, ये अभी तक हमने क्या करा बच्चे, ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है। ओके, अब हम करेंगे बच्चे ऑल द फॉर्मूलाज एट 1 glance। क्लास इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, 1 बार समझने की कोशिश करना, दूसरी बार दोबारा से देखना बेटे, तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगी। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मूला एट 1 glance। सबसे पहले अभी तक हमने कितने फॉर्मूले करे, सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चे AD, क्या था, C+I, है ना। सेकंड पढ़ा AS = Y। थर्ड हमने पढ़ा Y = C+S। फोर्थ हमने पढ़ा था बच्चे MPC = Δc/Δy, है ना। फिफ्थ हमने पढ़ा था MPS (Δs/Δy). सिक्स हमने पढ़ा था APC (C/Y). सेवेंथ हमने पढ़ा था बच्चे APS (S/Y). ओके, फिर हमने रिलेशनशिप करा था MPC + MPS = 1। फिर हमने करा था APC
प्लस ए पी एस इज इक्वल टू वन. ओके, फिर बच्चे हम लोगों ने सी फंक्शन पढ़ा था, दैट इज सी बार प्लस बी वाई. बी का मतलब एम पी एस, एम पी सी सॉरी. आगे 11th पॉइंट हमने क्या करा था, सेविंग फंक्शन एल्जेब्रिक इक्वेशन माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई. वन माइनस बी क्या है बच्चे, एम पी एस. ओके, देन 12th फॉर्मूला हमने क्या करा था बच्चे, हम लोगों ने के का फॉर्मूला करा, दैट इज वन अपॉन वन माइनस एम पी सी. फिर हमने के का एक और फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज वन अपॉन एम पी एस. और के का बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. ओके, और हमने पढ़ा एट इक्विलिब्रियम लेवल ए डी इज इक्वल टू ए एस. ठीक है, फिर हमने पढ़ा एट इक्विलिब्रियम लेवल एस इज इक्वल टू आई. ओके क्लास, ये अभी तक हमने क्या पढ़े, डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8. ठीक है भाई, इन फॉर्मूला की बहुत वैल्यू बच्चे, मैं बार बार बोल रही हूँ, 3 to 4 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आएगा. ओके क्लास, थैंक यू.